वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं? आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, जो भी छात्र कहाँ से हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं और 2022 का पेपर होने वाला है। बीएससी सेकेंडरी बात करूंगा, फर्स्ट पेपर हो जाएगा केमिस्ट्री का। देखो केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर का नाम यहाँ इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे और जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखो यहाँ से एक दो क्वेश्चन नहीं भी मिलते हैं, आप सोच रहे हैं मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ और एक दो क्वेश्चन नहीं मिलते हैं ना, तो आप उसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो क्वेश्चन आपके सीरीज में गेस्ट पेपर में जो आपका पढ़ाई जैसे कर रहे हैं, जो आपकी सीरीज आती है मार्केट में, ठीक है, छोटी छोटी आती है, उससे आप पढ़ाई कर रहे हैं या दूसरे से ज़्यादा अगर स्टूडेंट पढ़ते हैं या फिर आपके पास नोट्स है, आप जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उस क्वेश्चन पे आप टिक लगा लो, जो जो मिल रहा है, जो जो मिल रहा है, और जो नहीं मिल रहा है उस पर ध्यान मत देना, कोई दिक्कत नहीं। उसके जगह पर एक या दो जो आपका दिल करे कि यार ये इंपॉर्टेंट रह सकता है तो आप उसको पढ़ लेना, बस इतना पढ़ के चले जाते हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 85% प्लस मिलेगा, 85% प्लस देखने को मिलेगा। पेपर जैसे ही आपका हो, पेपर मुझे तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, 7037327838 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसको तुरंत जो भी आपका फोटो या फिर पिक्चर जो भी भेजना है, पीडीएफ बनाकर भेजना है, पीडीएफ बनाकर भेज सकते हो, पिक्चर मतलब फोटो खींचकर फेंक देना है, तो फोटो खींचकर आप मुझे, ठीक है, डाल सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि मैं उसको मैं प्रूफ कर सकूं कि आपने जो क्वेश्चन दिए, मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं वह पेपर में आए हैं नहीं। मैं प्रूफ करने के लिए बिल्कुल 100% प्रूफ करके दिखाऊंगा और जो क्वेश्चन दे रहा हूं वही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद में क्या करना है, देखो पहला क्वेश्चन पे आप टिक लगाएंगे सभी लोग, अपने बुक नोट्स गेस्ट पेपर को ओपन करिए और आपको ये देखना है कि आवर्त सारणी की आपसे पूछ लेता है पोजीशन के बारे में। जैसे आवर्त सारणी है तो उसमें कुछ एलिमेंट देगा और आपसे ये पूछेगा कि इस एलिमेंट की पोजीशन बता दो, किस पोजीशन पर ये रखा गया है। जैसे आपसे पूछेगा कि कॉपर परिवार के तत्व पूछ सकता है, कॉपर परिवार के एलिमेंट जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये आवर्त सारणी में किस स्थान पर रखे गए हैं, कैसे रखे गए हैं, ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि 3D संकरण श्रेणी के तत्वों की तुलना आपको बतानी है, वो भी 4D एंड 5D श्रेणी तत्वों से करनी है। मतलब 3D संकरण श्रेणी के तत्वों की तुलना 4D और 5D श्रेणी तत्वों से करनी है और आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर, जैसे देखो ये वाला जो क्वेश्चन है 3D संकरण श्रेणी वाला, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3D और 4D एंड 5D श्रेणी तत्वों आपस में तुलना करने के पूछता है कि इन दोनों में अंतर बता दो, क्या अंतर है, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में हमारा ये क्वेश्चन पूरा आपने टिक लगा लिया होगा, ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मतलब संकुल किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संकुल के बारे में पढ़ के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में नीचे आता है किलेट यौगिक क्या होते हैं, किलेट यौगिक का वर्गीकरण को आप याद करके जाएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट पर लगा देना, आपके बुक नोट्स में गैस मिलेगा देखने को। वर्नर के उपसर्ग सिद्धांत को आप पढ़ के जाएंगे, इसको अच्छी तरीके से याद करके जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट के जाएंगे। उसके बाद में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को याद करके जाएंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आप याद करके जाएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं लेंथेनाइड संकुचन का कारण क्या होता है ये आप याद करेंगे, और एंटीनाइड एलिमेंट मतलब एंटीनाइड तत्वों को, आप कौन कौन से एंटीनाइड तत्व होते हैं उनको सीरीज को याद करने के लिए आप हमारे नोट्स को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नोट्स हमने प्ले स्टोर पर भी फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, प्ले स्टोर पर फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है। मैं सारे एप्लीकेशनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां लिखा होगा ऑल एप्लीकेशन लिंक, नाम बाई नाम वहाँ होगा, जैसे कि पहले BSc का होगा, फिर BA का होगा, फिर BCom का होगा, इस तरीके से पूरा आपको लिस्ट देखेंगे वहाँ देखने को मिल जाएगा। हमारी एक साइट है पेपर हैकर के नाम से, वहाँ खुलेंगे सारे, फिर वहाँ से जो लिंक मिलेंगे वहाँ आप टच करना, सीधे आप प्ले स्टोर पर पहुँचेंगे, प्ले स्टोर से आकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री में हम आपको नोट्स दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है, आप फ्री में नोट्स आपको मिलेंगे। और हाँ, जो हमारी जो साइट आपको देखने को मिलेगी, वेबसाइट है, उसको आप फॉलो कर लेना, ताकि जो भी हम नोटिफिकेशन डालेंगे वहाँ वो आपको प्रोवाइड हो जाए, वहाँ फॉलो कर लेना है, ठीक है। और फेसबुक पेज को अभी ना आपने फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमारे नोट्स को अपने प्रॉपर अपना बनाना चाहते हैं, जैसे हमारा जो नोट्स हैं आप अपना बनाना चाहते हैं, ठीक है, अपने कहीं भी कैफे पे निकलवाना चाहते हैं, तो आप PDF को डाउनलोड कर लेना, उस PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नोट्स एंड MCQ हम बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को भी आपको तक प्रोवाइड करा रहे हैं, आप ध्यान से देख लेना। उसके बाद में आपको देखो एंटीनाइड क्या होती है ये आप देखेंगे, और आयनिक त्रिज्या इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयनिक त्रिज्या के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना, आयनिक त्रिज्या के बारे में, ठीक है। उसके बाद में नीचे जाते हैं IUPAC के बारे में देखेंगे, IUPAC के नाम अच्छी तरीके से याद करेंगे, IUPAC आपसे पूछ लेता है, नाम पूछेगा आपसे, ये एक से दो नंबर का बनता है,
ठीक है, 3 से 4 नंबर का बन जाएगा, 4-5 क्वेश्चन पूछेगा। तो वही बात की जाए, विद्युत रासायनिक श्रेणी को आप याद करके जाएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं छुड़वा रहा हूँ, ये देखो बीच के क्वेश्चन को छुड़वा रहा हूँ जो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में रिडॉक्स विभव को आप याद करेंगे, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। मानक हाइड्रोड को याद कर लेना और हाइड्राइड क्या होते हैं, मानक हाइड्राइड के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में नीचे हम जाएंगे, लुईस सिद्धांत के बारे में पढ़ के जाना। लुईस सिद्धांत, अम्ल क्षार के लुईस सिद्धांत का वर्गीकरण, सफलताओं और उनकी सीमाओं के बारे में याद करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आप याद करेंगे, अब देखो ये आप याद करेंगे कि अपक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। अपक्षेपण अभिक्रिया को हम अच्छे तरीके से देखेंगे, अपक्षेपण और अम्ल क्षार अभिक्रिया, अम्ल क्षार अभिक्रिया क्या होती है, अपक्षेपण अभिक्रिया और अम्ल क्षार अभिक्रिया, इसको दोनों को पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, देखो लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड को आप अच्छी तरीके से याद करेंगे, लिगेंड को इंपोर्टेंट पे लगा देना, ठीक, लिगेंड के बारे में। उसके बाद में हम नीचे जाएंगे, हमसे पूछता है एक इस तरीके से का क्वेश्चन आता है, लेकिन वो और भी तरीके से पूछ सकता है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अथवा में आपको देखने को मिल जाएगा। वही बात की जाए, आपको अनुचमत्व लौहचमक और वृत्ति लौहचमक की परिभाषा आप देख लेना, इनकी आपस में परिभाषा क्या होती है, परिभाषाओं के बारे में आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। उसके बाद में ईएनए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट पे लगा देना, ईएनए मतलब जिसे एक बोलते हैं इफेक्टिव एटमिक नंबर ऑफ कंट्रोल एटम, इसको आप देख लेना है। तो यहां बोला गया है जो केंद्रक परमाणु की प्रभावी परमाणु संख्या के बारे में आपसे पूछता है, इसे हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल के, इलेक्ट्रॉन रूल के आधार पर भी ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, आप इसको ध्यान से देख के जाना। एक आइसोमेरिक्स मेरिज्म पूछता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, मतलब कि समवयता किसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा समवयता प्रकाशीय समवयता और त्रिविमीय समवयता और जलीय समवयता के बारे में पूछता है। अब इन तीनों समवयता को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, आप यहीं से पास हो जाओगे अच्छे नंबर से, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछता है अम्ल क्षार के जो आरेही नियम था उसकी अवधारणा, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे पूछता है, इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट पे लगा लेना, इनकी सफलताएँ उनकी सीमाओं के बारे में आप देख लेना, ठीक है। और व्रंट्स, यदि आपको ये क्वेश्चन दिया हो पेपर में, ये आपके गैस पेपर में नोट्स में दिया हो कि व्रंट्स टैड लॉरी सिद्धांत क्या है, तो आप इस सिद्धांत को पढ़ लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई भी क्वेश्चन आ भी जाता है चूक के, तो आप क्वेश्चन को बना बना के करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद में है जो है लक्स फल्ड संकल्पना क्या होती है, लक्स फल्ड संकल्पना को याद करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट पे लगा लेना, ठीक है। और देखो आपसे यूसेनोविच के, यूसेनोविच की धारणा कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, यूसेनोविच का कॉन्सेप्ट बताओ, ये क्वेश्चन मोस्ट पे लगा लेना, यूसेनोविच के बारे में पूछ लेता है। और लास्ट में बस आपको ये क्वेश्चन देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। और पेपर जैसे ही आपका पेपर होता है, आप हमें पेपर को तुरंत फोटो खींच कर या फिर PDF बनाकर हमारे व्हाट्सएप पर आप सेंड करेंगे, ठीक है। ये सभी को करना होगा, जितने छात्र हैं सबसे पहले करना है आप सभी को, ठीक है। ये नहीं करना है कि किसी ने भेज दिया होगा, नहीं, आप भेजिए और अपना नाम लिखिए, यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी से भी हैं आप, तुरंत आप नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए, ताकि मैं आपको उस नाम से पुकार सकूं कि मुझे इस छात्र ने मुझे पेपर भेजा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान से देखना है। और यहाँ देखो बोला क्या है, इस क्वेश्चन को लास्ट में पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला मोस्ट भी लगा देना। ये आपसे पूछेगा कि संकरण तत्व क्या होते हैं या फिर डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, उनको पूछेगा कि परिभाषित कीजिए इसके बारे में। इसके बारे में कई तीन टॉपिक यहाँ बनते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पूछेगा, चुंबकीय गुण के आधार पर आपसे पूछेगा परिभाषा के, उनके गुण के बारे में, और उनको संकरण योग्य बनाने की विधि, फॉर्मेशन ऑफ द कह सकते हैं कम्प्लेक्स जो सेल्ट होता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।